दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर हम स्नैपड्रैगन की तरफ से अभी आपको अपकमिंग चिपसेट की, तो काफी सारे चिपसेट अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से अभी यहाँ पर स्नैपड्रैगन क्या है कि अपनी 7th Gen जो इनकी जो जेन 1 सीरीज है उसको धीरे धीरे यहाँ पर पेश कर रहा है। एंड 6 सीरीज की बात करें, 7 की बात करें या फिर 8 की बात करें, सभी को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा है जेन 1 सीरीज के अंदर। यानी कि अगर स्नैपड्रैगन 8 सीरीज की बात करें तो उसके अंदर अभी यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, 8 Gen+1 जो है यहाँ पर अभी लॉन्च किया, 8+Gen 1 लॉन्च किया। एंड इसके बाद में अभी यहाँ पर क्या है कि अभी स्नैपड्रैगन जेन 2 लॉन्च होने करने वाली है। इसके बाद अगर 7 सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर 7 Gen 2 लॉन्च करने वाली है। एंड इसके अलावा एक स्टेप और पीछे जाते हैं तो वहां पर जो इनकी 6 सीरीज है उसके अंदर भी जेन 1 सीरीज को लाने वाली है। यानी कि अभी आपको यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 695 मिलता है, इसका सक्सेसर लॉन्च होने वाला है जो कि आएगा यहाँ पर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के नाम से। दोस्तों अगर देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 695 जो ये आपको यहाँ पर 20,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर अभी काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर देखो मिल चुका है। एंड इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ये क्या है कि 15,000 रुपए के जो प्राइसिंग है वहां पर भी ये स्नैपड्रैगन 695 हमें देखने को मिलता है, जो कि मोटो का स्मार्टफोन है, मोटो G71 जिसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। ये एक 5G चिपसेट है। एंड इसी का सक्सेसर तो एक आने वाला है जो कि है यहां पर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। एंड ये 6 सीरीज का पहला चिपसेट होगा, यानी कि जेन 1 सीरीज का जो कि देखने को मिलने वाला है। अभी यहां पर क्या है कि एक लीकिस्टर है यहां पर ट्विटर पर, तो उन्होंने यहां पर इसका पूरा चिट्ठा जो है वो यहां पर सबके सामने ला दिया, यानी कि इसके पूरे स्पेसिफिकेशन जो फीचर्स हैं वो सामने आ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 के बारे में, एक न्यूली लॉन्च चिपसेट, मतलब अभी यहां पर लॉन्च होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंड क्या आपको इसके लिए वेट करना चाहिए, एंड कैसा होने वाला है चिपसेट, ये क्या परफॉर्मेंस यहां पर देखो मिलने वाली है, तो ओवरऑल सारी बातें करने वाले हैं इसी चिपसेट के बारे में। आपको वेट करना चाहिए इसके लिए फिर नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ बताने वाले हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आता है जरूर से लाइक कर देगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों अगर बात करें स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 की, तो ये जो है पर 695 का सक्सेसर होने वाला है। एंड वो एक 5G चिपसेट था, तो ये भी एक यहां पर 5G चिपसेट होने वाला है। अगर इसके प्राइसिंग वगैरह की बात करते हैं तो ये आपको जो है यहाँ पर 20,000 रुपए की अंदर की प्राइस पर आपको देखो मिलने वाला है, यानी कि आपको ये 19-20,000 रुपए की प्राइस पर देखो मिलने वाला है। एंड ओवरऑल तो ये चिपसेट यहाँ पर सक्सेसर है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर पावरफुल होने वाला है इसके कंपेरिजन में। एंड आइए बात करते हैं इसके फीचर्स वगैरह की। तो अगर बात करें इसके फेब्रिकेशन प्रोसेस की, तो ये जो है इस बार 4nm टेक्नोलॉजी पर होने वाला है, लेकिन अभी इसका नोड नहीं पता है, तो यहाँ पर ये इसकी फेब्रिकेशन किसने की, यहाँ पर TSMC ने की है या फिर जो है यहाँ पर सैमसंग ने, क्योंकि उस तो यहाँ पर सैमसंग जो 7th Gen विद चिपसेट है, तो यहाँ पर इसकी फेब्रिकेशन जो है वो यहाँ पर सैमसंग ने की थी। एंड मे बी मेरे ख्याल से हो सकता है कि यहाँ पर भी इसकी फेब्रिकेशन जो है यहाँ पर सैमसंग ही करने वाला है, क्योंकि अभी जो लो चिपसेट आ रहा है वहां पर सैमसंग फेब्रिकेशन अपनी कर रहा है जेन 1 सीरीज के अंदर, जैसे कि मैंने देखा हुआ है, क्योंकि 8 Gen 1 आया था वहां पर TSMC की फेब्रिकेशन की गई है। तो इस मतलब अगर बात करें फेब्रिकेशन प्रोसेस की, तो थोड़ी सी जो बेटर फेब्रिकेशन की बात करें तो वो TSMC की यहाँ पर मिलती है। एंड अभी यहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है कि ये फेब्रिकेशन यहाँ पर कौन सी मिलती है, लेकिन हाँ 4nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो ये काफी अच्छी बात होती है। चिपसेट हमारा काफी पावरफुल होने वाला है, बैटरी बैकअप वगैरह आपको काफी अच्छा देखो यहाँ पर मिलने वाला है, तो इस मामले में तो यहाँ पर हाँ एक अपग्रेड देखो मिलता है, तो ये चीज यहाँ पर नोट डाउन करने वाली हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर इसके हम CPU की यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर इसके कोर्स वगैरह को यहाँ पर कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन इतना बताया है कि आपको यहाँ पर क्रायो जो है कोर्स यहाँ पर देखो मिलने वाले हैं, जो कि इसकी जो क्लिक जो स्पीड रहेगी वो अप टू 2.2 GHz की यहाँ पर देखो मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। GPU की अगर बात कर लेते हैं, तो GPU यहाँ पर एड्रीनो यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन ये नहीं पता भी कौन सा GPU यहाँ पर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से जो कि आपको 695 के अंदर GPU देखने को मिला था, वही GPU आपको यहाँ पर भी देखने को मिलने वाला है। एंड वहां पर शायद से आपको 642L देखो मिलता है, जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। एंड तो वही GPU को मिलने वाला है जो 695 भी है, तो वहां पर भी आपको गेमिंग वगैरह काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर जो है चेंजेस नहीं मिलेंगे, हाँ लेकिन फिर भी काफी सारे यहाँ पर एक सक्सेसर बोल सकते हैं इसको हम। एंड इसके बाद रैम की, तो यहाँ पर जो है अप टू 12GB का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि यहाँ पर LPDDR5 रैम का सपोर्ट मिलेगा। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो ये 2750 MHz की यहाँ पर रैम को सपोर्ट करने वाला है, तो ये काफी अच्छी बात यहाँ पर आती है। एंड 12GB तक के अप टू यहाँ पर LPDDR5 रैम को सपोर्ट करने वाला है। एंड वही अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके स्टोरेज की, तो ये जो है यहाँ पर UFS 3.1 को यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो ये काफी अच्छी बात, क्योंकि
काफी एक लेटेस्ट चिपसेट है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर जो स्टोरेज है वो भी यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर दिया गया है। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह, तो यहाँ पर जो है आपको फुल HD प्लस का 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले को सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा बोलूंगा यार मैं 6th Gen 1 के हिसाब से देखा है तो, क्योंकि अगर 695 की तो वहां पर हमें काफी सारी रेस्ट्रिक्शन वहां पर देखने को मिल जाती है, तो ये चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली है। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कैमरा सेटअप की, तो अगर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर जो है यानी कि 13 मेगापिक्सल के आपको यहाँ पर 3 कैमरे मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें डुअल कैमरा सेटअप की तो आपको यहाँ पर 25+16 मेगापिक्सल का यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है। एंड अगर सिंगल कैमरा सेटअप की बात करें तो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप यहाँ पर मिल जाता है, तो ओवरऑल कैमरा सेटअप यहाँ पर अच्छा खासा दिया गया है। एंड इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर हम कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है इस बार स्नैपड्रैगन का X62 5G मॉडल यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि MM वेब को यहाँ पर सपोर्ट करेगा एंड सब 6 GHz बैंड को भी यहाँ पर सपोर्ट करेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। यानी कि कनेक्टिविटी मामले में यहाँ पर 5G के अंदर काफी अच्छा काम किया गया है, Wi-Fi 6E को सपोर्ट करने वाला है, Bluetooth 5.2 का सपोर्ट आपको इसके अंदर देखने में मिलने वाला है। एंड वहीं बात करें USB पोर्ट की, तो आपको इसके अंदर जो है USB 3.1 का सपोर्ट यहाँ पर देखने में मिलने वाला है, तो ये भी काफी अच्छा अपग्रेड यहाँ पर देखने में मिलने वाला है। यानी कि हम ट्रूली एक तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ ये 695 का सक्सेसर है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है जैसे कि MediaTek के अंदर किया जा रहा है। अब MediaTek Dimensity 1200 एंड 1300 यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं, एकदम सेम चिपसेट को वहां पर रख दिया गया है एंड वो चीज यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है, तो ये काफी अच्छी बात है। इसके लिए स्नैपड्रैगन को जरूर से एक लाइक मिलता है यहाँ पर, तो ये काम अच्छा किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर केवल नेम चेंज किया जा रहा है, MediaTek के अंदर सेम चिपसेट यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पर नहीं मिलती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमें मिल जाती है। मतलब हर किसी के अंदर यहाँ पर जो है एक अपग्रेड यहाँ पर किया गया है। एंड इसके बाद यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो ये जो है यहाँ पर 4K HDR वीडियो जो है 30 FPS में यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकता है। हाँ ये चीज यहाँ पर जरूर नहीं मिलती, क्योंकि पिछली बार में S695 के अंदर भी हमें 30 FPS में था, यहाँ पर मेरे ख्याल 60 FPS होता तो और ज्यादा बेटर रहता। एंड इसके अलावा बात करें स्लो मोशन वीडियो की, तो ये जो है यहाँ पर 720p में यानी कि HD वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड करेगा, जो कि 240 FPS तक आप यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो काफी सारे चेंजेस हमें यहाँ पर पूरे जो है स्पेसिफिकेशन के अंदर देखो मिल रहे हैं, चाहे हम बात करें डिस्प्ले की, चाहे हम कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम बात करें यहाँ पर CPU की, या फिर मतलब ओवरऑल यहाँ पर बात करें जो है कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो मतलब सभी के अंदर यहाँ पर हमें काफी सारे चेंजेस मिलते हैं। एंड 5G भी दोस्तों यहाँ पर काफी जल्द आने वाला है। एंड अगर बात करें स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 की, तो ये भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस जनरेट करता है, बस वहां पर फैब्रिकेशन क्या है कि यहाँ पर सैमसंग देखो मिलते हैं, थोड़ा बहुत वहां पर आपको हीटिंग इशू जरूर से वहां पर देखो मिलता है। एंड अगर बात करें ये 7 Gen 1 की अगर बात करते हैं, तो ये आपको ओप्पो के Reno 8 Pro के अंदर मेरे ख्याल सर वहां पर देखो मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी मिल जाती है वहां पर, ऐसा नहीं बोलूंगा, हाँ काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि वो जो है यहाँ पर 778G का सक्सेसर है वहां पर, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे 780 का बोल दूंगा, लेकिन 80 चिपसेट आने के बाद दोस्तों कुछ टाइम के बाद बंद कर देगा, तो वो अब 778G का सक्सेसर यहाँ पर 7 Gen 1 है एंड 695 का सक्सेसर यहाँ पर जो है 6 Gen 1 है। एंड इसी तरीके से यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन है वो अभी यहाँ पर सारे चिपसेट को यहाँ पर जेन 1 में यहाँ पर जो है बदलने वाली है। एंड मेरे ख्याल से शायद अभी आपको यहाँ पर 4 Gen 1 भी आपको मेरे ख्याल से शायद देखने को मिल सकता है, तो काफी सारे अभी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं एंड अपकमिंग में काफी सारे चिपसेट अभी स्नैपड्रैगन की तरफ से लॉन्च होने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर कौन से स्मार्टफोन इस चिपसेट को ला सकते हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो स्मार्टफोन होगा वो Xiaomi की तरफ से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये ही मेरे ख्याल से यहाँ पर सबसे पहला जो फोन लाने वाली है Xiaomi की तरफ से आपको देखने को मिल सकता है, जो कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 हो सकता है, सॉरी 6 Gen 1 के साथ आ सकता है। एंड इसके अलावा हो सकता है मे बी यहाँ पर सैमसंग भी अपना स्मार्टफोन लेके आ सकती है एंड काफी सारे चीजें देखने को मिलने वाली है। एंड इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो सैमसंग का A54 आने वाला है, तो उसके अंदर जो है आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल 6 Gen 1 के लिए यहाँ पर जो है Xiaomi या फिर Oppo वगैरह जो है यहाँ पर ये स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप वेट करना चाहते हो एंड अगर 20,000 रुपए तक का आपको एक अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, परफॉर्मेंस बढ़िया चाहिए, तो मेरे ख्याल से इस चिपसेट के लिए आपको जरूर से यहाँ पर वेट करना चाहिए एंड स्टेबल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल चिपसेट आने के बाद में सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अभी से मैं इतना कह सकता हूं आप अगर वेट करना चाहते हैं 20,000 रुपए के अंदर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां पर वेट कर सकते हैं। फिलहाल तो यहां पर मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन थे एंड मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिएगा एंड शायद से यहां पर चैनल पर मेरी पहली वीडियो होगी यहां पर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 को लेकर, तो दोस्तों अपना प्यार जरूर से दिखाएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।